मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से तरोताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज आज का। परिवार के साथ हरिद्वार आई महिला के साथ मां के बच्चे का अपहरण, संदिग्ध महिला की तलाश जारी। गाजियाबाद से हरिद्वार घूमने आए एक यात्री परिवार के 7 महीने के मासूम का अपहरण कर लिया गया। घटना हर की पेड़ी क्षेत्र में सिटी कंट्रोल रूम के बगल में स्थित ऊर्जा निगम कार्यालय के परिसर में हुई। रात के समय परिवार सोया हुआ था। गाजियाबाद से हरिद्वार घूमने आए एक यात्री परिवार के 7 महीने के मासूम का अपहरण कर लिया गया। घटना हर की पेड़ी क्षेत्र में सिटी कंट्रोल रूम के बगल में स्थित ऊर्जा निगम कार्यालय के परिसर में हुई। रात के समय परिवार सोया हुआ था। तड़के 4 बजे आँख खुली तो 7 महीने का अभिजीत गायब था। घंटों तक परिवार खुद ही बालक की खोजबीन में जुटा रहा। कोई सुराग न मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर बालक की तलाश शुरू कर दी है। एसएसपी अजय सिंह ने धरपकड़ के लिए 3 टीमें गठित की हैं। फिलहाल सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगोली जा रही है। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद के अमेट नगर गली नंबर 13 विजयनगर निवासी शिव सिंह की पत्नी रेखा व परिवार के सदस्य 4 दिन पहले हरिद्वार घूमने आए थे। दिन भर घूमने और गंगा स्नान करने के बाद रात में परिवार सीसीआर से सटे ऊर्जा निगम के कार्यालय के परिसर में सो गया। रात में 1 बजे तक भी रेखा का बेटा अभिजीत उसकी बगल में सो रहा था। तड़के 4 बजे आँख खुली तो अभिजीत गायब मिला। रेखा ने रोते हुए परिवार को जगाया और आसपास उसकी तलाश की। कई घंटे बाद रोड़ी बेलवाला पुलिस चौकी पहुंचकर बालक गायब होने की जानकारी दी। रोड़ी बेलवाला चौकी पुलिस प्रभारी प्रवीर सिंह रावत ने चेतक पुलिस कर्मियों को साथ लेकर पूरा क्षेत्र खंगोला, लेकिन मासूम का पता नहीं चल सका।